गाइज, मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नवाज शरीफ नॉट रिस्पेक्ट इन अजान एंड मोदी रिस्पेक्टेड अजान। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर ही पता चलता है कि मोदी कैसे रिस्पेक्ट करता है और नवाज शरीफ, क्योंकि वीडियो हमने भी नहीं पहले देखी और अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी तो हमारे साथ देखे, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग सब्र करें यार, मैं भी सुन रहा हूँ यार, सुबह सुन रहा हूँ। मेरी अंदर अदालत आप है, आप पाकिस्तान के अवाम, 20 करोड़ अवाम मेरी अंदर अदालत ये है, और जब मैंने उस पर अपील दायर की, रिव्यू पटिशन मैंने दायर की, तो फैसले में सवाल उठाया गया। यार आप लोग सब्र करें यार, मैं भी सुन, और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं, देखा आपने कि हमारा जो लीडर है, अजान भी हो रही थी, फिर वो कारकुनों को देख रहा था कि चुप कर जो, मैं नहीं सुन रहा, लेकिन गुस्से से बोल रहा था कि आप चुप कर जाएं, लेकिन आपने खुद चुप नहीं कर रहा था। ये था नवाज शरीफ, और आपने मोदी की भी देखी, उसने पूरी अजान सुनी और जो कारकुन थे वो तो देख रहे थे किधर क्या हुआ है, चुप क्यों कर गए, लेकिन पीछे सबको पता चला कि अजान हो रही है, इसलिए वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मोदी अच्छा लीडर है। हाँ, और आप देख रहे थे कि नवाज शरीफ को पीछे से बताया जा रहा था कि अजान हो रही है और फिर भी वो चुप नहीं कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप देख रहे हैं, वो एक मुस्लिम है, जब भी कहीं भी
कोई भी है। जब आप देख रहे थे कि एक बार ना फिल्म एक्टर जो सलमान खान है वो भी एक इंटरव्यू में थे, तो वहाँ अचानक की अजान होने लगी तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। ठीक है, वो भी मुस्लिम है वैसे और वो इंटरव्यू में थे तो वो चुप हो गए। आप देख रहे थे कि यहाँ नवाज शरीफ है और वो नवाज शरीफ साहब अपनी बातें सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं का मुस्लिम नहीं, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं और उसके तो फैन भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, इसलिए उसने तो रिस्पेक्ट की थी अजान की और उसके फैन की और भी इज्जत उसके लिए बाढ़ की। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लीडर देखो अजान हो भी रही है फिर भी नहीं चुप कर रहे, कोई रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ अपनी बातें बगल बगल बोल रहे हैं। हम बस इनको अपनी है अपनी, जैसे आप देख रहे थे कि वो अपनी बातें सुनाई दे, हम वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे, 20 करोड़ अवाम तुम इधर के इधर हो जाओ, हमें कुछ नहीं, अजान का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने मोदी की देखी वीडियो, सारी आवाज अजान उन्होंने सुनी। हाँ, आप देख रहे थे नरेंद्र मोदी जैसे चुप थे, और वैसे भी आपको देखना चाहिए वो हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं, जब हिंदू इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इनका मतलब कि इनका हक है कि जब भी इनने सुना कि अजान होने लगी तो बिल्कुल खामोश खुद को भी करना चाहिए था, और जो अवाम है देख रही है इनको, इनको भी चुप करवाना चाहिए था। और जब आप इनने ये नहीं किया और आप वहाँ देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब वो खामोश हो गए, और जब अवाम बोलने लगी तो उन्होंने ऐसे हाथ करके अवाम को खामोश करवाया कि चुप हो जाए, कि उनके मतलब यही था कि अजान हो रही है। और इस ऐसे ही मैं अपनी स्पीच फिर पूरी करता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही ना हर एक बंदे को, हर एक जो भी है लीडर है या जो भी है चाहे जो भी है, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मुस्लिम है हिंदू है, हम मुस्लिम है हम हिंदू की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल मैं भी करता हूँ, ये भी सब हम रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदू हमारे ही करते हैं, दिल से करते हैं हम हर एक, क्योंकि जैसे हमको अपना मजहब प्यारा है ना, ऐसे ही हर एक को अपना मजहब प्यारा होता है, और जैसे हमको प्यार है दूसरों को भी प्यार है, हमको ये फील करना चाहिए कि जैसे हमको है हम दूसरों को भी ऐसे ही होगा, और हमको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आप लोगों को भी सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मजहब से आगे कुछ भी नहीं होता। और गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, शुक्रिया।